हरे कृष्णा अगेन माय डियर डिवोटीज. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है माय डियर डिवोटीज, ये एक शब्द है जो हमारे साथ कनेक्ट करता है. तो हम लोग जैसे सब लोग जानते हैं कि अब कार्तिक मास बहुत शीघ्र ही आने वाला है, तो ये अब शुरू होगा 21 अक्टूबर से. जैसे जप करने से पहले जप की पूर्व तैयारी अगर आप कर लें, यू नो, जब से एक दिन पहले आप उसकी पूरी तैयारी कर ले तो आप अच्छे से जप कर पाते हैं. उस जब ये उत्सव आने वाला है तो हम लोग इसके बारे में जान करके हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उत्सव अच्छे से कैसे बनाए, इससे हमारा बहुत लाभ होगा. तो मैं आपको साथ ही कुछ जो कार्तिक की महिमा है इसको आज शेयर करने की प्रयास करती हूँ. सो आपके साथ मैं एक बारी पहले शेयर स्क्रीन कर लेती हूँ. क्या आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस माता जी. Yes, Mataji. Okay. Hare Krishna. तो जैसे बताया जाता है शास्त्रों में कि जो सूर्य उदय से एक घंटा पहले जो है वो साधना के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, उसी तरह 12 महीने के चक्र जो होता है ना, उसमें कार्तिक मास साधना के लिए बहुत ही अनुकूल होता है. और बहुत सारे शास्त्रों में कार्तिक की महिमा के बारे में हमारे को बताया जाता है. कैसे भक्ति रसामृत सिंधु में शीला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि वृंदावन में इस महीने में भगवान कृष्ण को उनकी दामोदर रूप में प्रतिदिन पूजा करने का विहार. तो इस दिन को हम लोग कार्तिक को हम और क्या बोलते हैं, दामोदर, दामोदर मास भी बोलते हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक क्यों बोलते हैं. कार्तिक इसलिए बोलते हैं कि राधा रानी का नाम जो है वो है, एक नाम उनका है कार्तिका. कार्तिका नाम कैसे पड़ा राधा रानी का, क्योंकि उनकी माता का नाम है कीर्तिदा. तो उससे राधा रानी का एक और नाम क्या आता है, उनका नाम क्या आता है, कार्तिका. तो इस जो हमारा मास है, ये जो मंथ है, इसको हम लोग कार्तिक भी बोलते हैं. वैसे तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं महीनों में कौन सा महीना हूं, मार्गशीर्ष महीना हूं. लेकिन उनको सबसे प्रिय महीना कौन सा है, कार्तिक. क्यों? क्योंकि जो कार्तिक मंथ, ये जो मास है, ये राधा रानी का मास है ना. और राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण को अपने से भी ज्यादा प्रिय है ना. राधा रानी को ये जो मास है, जो ये राधा रानी का मास है, वो भगवान कृष्ण को क्यों प्रिय है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है राधा रानी को अपने से भी ज्यादा प्रिय. तो इसलिए हम लोग इस मास के बारे में और जानते हैं. अब दामोदर मास क्यों कहते हैं, हम सब ये सब जानते हैं. मैं फिर भी अपने आप को रिवाइज करने के लिए मैं बता रही हूँ. दाम का अर्थ होता है रस्सी, है ना. और उद्र का अर्थ होता है आप लोग ठीक से सुन पा रहे हैं, आवाज ओके आ रही है? ओके. यस माता जी. ओके. तो और उदर का मतलब होता है पेट. तो इस मास में यशोदा जी ने क्या किया था, उनको उनके पेट से रस्सी से बांध दिया था. तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दामोदर मास भी बोलते हैं. और इसके बारे में अब दास क्यों रस्सी से बांधा था भगवान कृष्ण को, क्योंकि माता यशोदा जो है वो भगवान कृष्ण की शरारतों से तंग आ गई थी, है ना. तो इसलिए उन्होंने उनको उखल से बांधने का ये जो घटना है, या जो ये परिक्रमा है, इसको जो परिक्रमा करी, एक ये जो प्रोसेस है उन्होंने किया था, इसको उखल बंधन क्रिया भी बोलते हैं. तो भगवान कृष्ण बताते हैं पद्म पुराण में कि समस्त वनस्पतियों में पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है, और समस्त मासों में कार्तिक सबसे प्रिय है, और सभी तीर्थों में मेरी इष्ट द्वारका सर्वाधिक प्रिय है, और सारी तिथियों में एकादशी सबसे प्रिय है. ये पद्म पुराण में भगवान बताते हैं. और आगे भगवान और भी कई जगह पे इसका उदाहरण देते हैं. और महिमा ऐसे भी बताई जाती है कार्तिक मास की, कि कार्तिक मास में अगर आप एक तुलसी का पत्र भगवान कृष्ण की चरणों में रखते हैं, है ना, अगर आप एक तुलसी का पत्र ही भगवान को अर्पित करते हैं, तो उस पवित्र तुलसी को अर्पित करने का फल आपको क्या फल मिलता है, 10,000 गायों को अगर आप दान देते हैं, उतना ही फल आपको एक तुलसी का पत्र अगर आप भगवान कृष्ण के चरणों में रखते हैं, एक तुलसी तो मिलता है. और फिर क्या है, कार्तिक मास में
कार्तिक मास में अगर आप एक दिन भी स्नान करते हैं, वैसे तो हम लोग रोज ही स्नान करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में अगर आप स्नान करते हैं तो क्या होगा कि आपको सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने का जो है वो फल प्राप्त होगा। तो देखिए छोटी छोटी एक्टिविटीज है, और भी एक्टिविटीज के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग दामोदर मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपको सीधा जो है नंद भवन लेके चलते है ना। अब ये देखिए ये है नंद भवन। नंद भवन कहाँ पे है? ये महावन के पास है, ये महावन के पास है। और ये यहाँ पर ये घटना जो है शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवत के 10th कैंटो के 9th चैप्टर में इस पूरी कथा का विवरण दिया है। तो ये आप तैयार है सब लोग? हम लोग देखिए नंद महल जा रहे हैं। आप लोग अगर ठीक से नहीं बैठे हैं, बिल्कुल सेटल होके बैठिए, ऐसे नहीं, महल है ये, वो भी किसका? नंद बाबा का, कृष्ण भगवान का ये महल है। तो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं क्या के जो यशोदा मैया है वो हमेशा भगवान कृष्ण के साथ ही सोती थी। वो किसके साथ सोती थी? भगवान कृष्ण के साथ ही सोती थी। तो आप देखिए कितना उनका भाग्य है, उनको क्या बोला जाता है शास्त्रों में? महाभागा। तो ऐसा पूछते हैं ऐसा क्या किया नंद बाबा ने और यशोदा जी ने, जो उन्होंने ऐसी क्या साधना करी, ऐसी क्या तपस्या करी कि वो भगवान के माता पिता बने? तो बताया जाता है कि ये जो है ये कोई साधना करने के लिए नहीं, मगर ये शाश्वत, ये क्या है? ये शाश्वत भगवान के माता पिता है, यशोदा माई और नंद बाबा, ये शाश्वत माता पिता है। तो अब और आगे क्या बताते हैं शुकदेव गोस्वामी जी के, ये दिन कौन सा था? ये दिवाली का दिन था, है ना। जो घटना हम उक्कल बंधन की, ये जो घटना हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, ये किस दिन हुई थी? ये हुई थी दिवाली के दिन। तो दिवाली के दिन क्या होता है, यशोदा मैया पहले उठ जाती। अक्सर क्या होता है कि जो भगवान कृष्ण है, जैसे उनकी माता उठ जाती है वो भी फटाफट से उठ के बैठ जाते, है ना। लेकिन इस दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण सोते रहे और जो यशोदा मैया है वो बाहर आ गई। जब वो बाहर आई अपने कमरे से, उन्होंने क्या देखा कि जो रोहिणी है, आप जानते हैं रोहिणी बलराम जी की जो माता है, है ना, बलराम जी की जो माता है, वो बलराम जी को लेकर उपनंद जी के घर पर जा रही है, है ना। क्योंकि दिवाली है तो उनको त्योहार का न्योता मिला है। तो उपनंद भी आप जानते हैं, उपनंद जानते हैं सब लोग? उपनंद जी जो है वो नंद बाबा के बड़े भाई है। उनके घर में रोहिणी जी बलराम जी को लेकर दिवाली का त्योहार मनाने के लिए जा रही। तो वहां से उनको देख लेती हैं यशोदा मैया और उनको फिर वहां से विदा कर देती है। अब क्या करती हैं यशोदा मैया? यशोदा मैया आप देखिए, यशोदा मैया के पास कितने सहायक हैं आप जानते हैं? कोई बताएगा कितने सहायक हैं? हमारे पास कितने होते हैं? 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा, पर उनके पास कितने सहायक हैं? 1000 सहायक थे उनके, उनकी सहायता करने के लिए 1000 सहायक थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि आज जो है भगवान के लिए जो माखन है वो मैं स्वयं ही निकालूंगी, है ना। इतने सहायक है तो ये थोड़ी सी बात अनयूजुअल लगती है कि माता ने ऐसा क्यों सोचा, किसी से भी बोल दो कि मक्खन निकाल दो। लेकिन जो माता ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, है ना, मैं मक्खन आज स्वयं ही निकालूंगी, मैं मक्खन आज स्वयं ही निकालूंगी। तो वहां पे, और इसका कारण क्या था, क्योंकि उनको रोज शिकायत आती थी, रोज शिकायत आती थी। एक गोपी आके कहती थी, क्या कहती थी गोपी आकर, के माता ये यशोदा मैया आपका ये जो बच्चा है ना, इसने मेरे घर पे आया कृष्ण और मेरा पूरा मक्खन खा लिया। अच्छा, दूसरी गोपी आके क्या बोलती थी, ये मेरे घर पे आया और दूध का पूरा मटका गिरा दिया। फिर तीसरी गोपी आके क्या बोलती थी, ये मेरे घर पे आया और मेरा छोटा बच्चा सो रहा था, उसको चुटकी काट के चला गया। वो ऐसा सुन, बहुत सारी शिकायतें यशोदा मैया रोज सुनती थी। तो यशोदा मैया को लगा, और फिर कभी कभी भगवान कृष्ण पकड़े भी जाते थे ऐसी शरारत करते थे। फिर वो क्या बोलते थे कि अगर उनको पकड़ लेते कि क्यों कर रहे हो, तो क्या बोलते थे, माता मेरे को बहुत अच्छा लगता है मक्खन, है ना, मुझे बहुत प्रिय है मक्खन, और मेरी माता क्या करती है, मुझे मेवा खिलाती है, पूड़ी हलवा खिलाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे ड्राई फ्रूट भी अच्छे नहीं लगते,
तो भगवान को क्या अच्छा लगता है, आप सब याद रख लीजिए, है ना, भगवान को क्या अच्छा लगता है, माखन अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि भगवान इस तरीके से बताते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख, मैं आपको साथ साथ में कुछ आपकी आईज के लिए भी, क्योंकि कुछ बोलने से ज्यादा इमेजेस भी इफेक्ट करती है। तो आपको ये देखिए, नंद महल का मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ, ये नंद भवन है। यहाँ पे आप कौन देख पा रहे हैं, ये नंद बाबा है ना, यशोदा मैया है। जो देखिए, अब ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, एक तरफ कृष्ण है एक तरफ बलराम है। तो कृष्ण किस तरफ खड़े हैं, यशोदा मैया की तरफ खड़े हैं, और जो बलराम है वो किस तरफ खड़े हुए हैं, वो नंद बाबा की तरफ खड़े हुए। और वो सेम कपड़े पहनाती थी माता, क्यों, क्योंकि उनको सेम तरह के कुर्ता पजामा गहने सब थे। क्यों, क्योंकि छोटे भाई है ना, बच्चे है छोटे, तो आपस में झगड़ा नहीं करे, तो दोनों को सेम कपड़े पहनाते। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बताते हैं कि वो उन्होंने ये सोचा कि इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो उनको क्या हुआ, उनको बहुत चिंता होने लगी यशोदा मैया को। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि बड़ी चिंता हुई यशोदा मैया को, क्यों, क्योंकि उनको लगा कि मेरा बच्चा इतना धनी व्यक्ति का पुत्र है। धनी कैसे, धनी कैसे मानते थे नंद महाराज को, क्योंकि उनके पास 900,000 गायें थी, तो उनको बहुत धनी मांगते थे। तो उन्होंने कहा कि इतना धनी व्यक्ति का जो पुत्र है वो चोरी कर रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि जो मेरे सहायक है, हो सकता है वो दूध अच्छा, अगर वो मक्खन अच्छा ना निकल रहा, क्यों, कैसे कभी कभी हो जाता है ना कि आप दूध चढ़ाओ जल जाता है और ठीक से नहीं बना है ना, दही ठीक से जमा नहीं और उसके बाद फिर मक्खन नहीं निकला। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी मैं आपके बच्चे के लिए मक्खन निकालूंगी। तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने शुरू करा कि उन्होंने मक्खन को निकालना शुरू किया। कैसे मक्खन निकालते थे, मलाई उबाल के नहीं, दही को फेंकना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ये प्रारंभ किया, और वो क्या कर रही थी साथ में, उनको पता था कि बच्चा उनका अंदर सो रहा है, तो वो क्या करने लगी, वो अब उनको बच्चे की याद भी आ रही थी भगवान कृष्ण की, तो वो क्या करने लगी, वो भगवान की लीलाओं का गीत गाने लगी। अब हमारे साथ भी कई दफा ऐसा होता है, जो भक्त होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं भगवान के साथ रहूं या भगवान की सेवा करूं, है ना। देखो हमारे पास सर्विसेज आ जाती है, अब हमारा मन कर रहा है कि हम चैंटिंग करें, हम रीडिंग करें, हम हियरिंग करें, है ना, और हमारे को क्या बोला जाता है, आप प्रीचिंग करो, है ना, आप प्रीचिंग करो या आप जाकर टेम्पल में कोई सर्विस करो। तो अब आप इन दोनों चीजों में से किसको चूज करना चाहिए, तो भगवान क्या बताते हैं कि आप अपना कार्य करो, और लेकिन उस कार्य को करते करते क्या करो, मेरा स्मरण करो। तो हम कैसे कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो यहाँ पर यशोदा जी क्या कर रही थी, वो अपना मत नहीं थी और वो खुद ही गीत बनाती थी भगवान की लीलाओं को और खुद ही गाती थी। अब आप सोचो कि हम तो नहीं बना सकते भाई ऐसे गीत, हम तो इतने पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग हरे कृष्ण कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है ये परफेक्ट ग्लोरिफिकेशन है, ये भगवान की परफेक्ट ग्लोरिफिकेशन है। तो इस तरह से जब वो गीत गा रही थी तो क्या होता है, अंदर ऐसा बताते हैं कि ओशन ऑफ ब्यूटी वेक्स अप। ओशन ऑफ ब्यूटी किसकी बात कर रही हूं मैं, समुद्र सौंदर्य का, वो कौन है, भगवान कृष्ण जाग जाते हैं। और जो जैसे ही जानते हैं छोटे बच्चे हैं तो उनको भूख लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं अपनी माता को ढूंढने लगते हैं, अपनी माता को ढूंढते हैं कि मेरी माता कहाँ है, क्यों, क्योंकि उनको भूख लगी है, उनको दूध पीना है। और माता क्या कर रही है, माता तो उनके लिए वो ओशन ऑफ ब्यूटी, जो ओशन ऑफ ब्यूटी है भगवान कृष्ण, वो जाग जाते हैं और वो ढूंढने लगते हैं कि उनकी माता कहाँ है, क्योंकि उनको भूख लगी होती है। और माता क्या कर रही है, माता उनके लिए दही से मक्खन बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि एकदम स्वादिष्ट मक्खन वो भगवान के लिए बनाना चाहती थी। तो ये जो लीला है हमारा, जो ये ग्रुप का क्या नाम है, वात्सल्य अमृत, तो ये वात्सल्य रस की टॉप मोस्ट लीला है। इसको क्या बोलते हैं, इट इज द क्रेस्ट ज्वेल या चूड़ा मणि बोलते हैं ना, कि मतलब आप अगर मुकुट पहने तो उसके अंदर भी अगर कोई ज्वेल लगा है तो ये उस तरह की लीला है, है ना, ये जो आपकी वात्सल्य रस की मधुर लीला है, जिसमें भगवान किससे बन जाते हैं, यशोदा जी के प्रेम में भगवान बंध जाते हैं। तो जब वो भगवान को दूध पिला रही होती है यशोदा माई,
तो उसमें वो, इसमें एक घटना आपको मैं बताना और चाहूंगी कि वो जो दही वो लेके आती हैं उसके लिए कितना प्रयास किया है उन्होंने। अब जब वो दही किस दूध का बना है, एक गाय 9 लाख गाय में एक गाय है पद्मगंधा, पद्मगंधा गाय, ऐसी 8 गायें थी यशोदा माई के पास। इन 8 गायों का बहुत ज्यादा देखभाल किया जाता था और इनको कैसी घास खिलाई जाती थी जो गोवर्धन पर्वत पर मिलती है, सुगंधित, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, ऐसी गायें, ऐसी घास उनको खिलाई जाती थी। तो उनसे भी, उन गायों से भी एक बहुत अच्छी, जो रात को खिलता है कमल का फूल, वो ऐसी खुशबू आती थी, तो इसलिए इन गायों का क्या नाम था, पद्मगंधा। इन गायों का दूध निकाल कर इसका दही जमा कर फिर इसमें से मक्खन निकालने का प्रयास कर रही थी। तो माता क्या कर रही थी, दही जमाने के लिए दही जो आपका मथ रही थी और साथ में गीत गा रही थी। और अब उन्होंने, भगवान ने क्या किया, उन्होंने मथने से उनको रोक दिया। तो माता क्या करने लगी, उनको बड़े प्रेम से अपनी गोद में लिया और वो उनको स्तनपान करने लगी। इतनी देर में क्या होता है, माता ने क्या किया होता, रसोई घर में वो जो दूध उन्होंने लिया है वो भी उबलने के लिए रखा होता है ना। तो जो दूध उबल रहा होता है वो, अब आप एक बात यहाँ पे और भी बड़ी आपको मिलेगी कि जैसे आध्यात्मिक जगत है, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे हर चीज एक व्यक्तित्व होती है। तो क्या होता है कि दूध सोचने लगता है, देखिए हम तो सोचते नहीं, हम तो थिंकिंग पावर यूज करते नहीं ना, ऐसा स्टैटिस्टिक्स आता है कि हम तो 1-2% सोचते हैं, लेकिन दूध सोच रहा है। दूध क्या सोच रहा है कि देखो माता जो है जो कृष्ण भगवान को दूध पिला रही है, भगवान तो संतुष्ट हो जाएंगे, और मैं जो यहाँ पे इतनी तपस्या कर रहा हूँ, दूध क्या तपस्या कर रहा था कि उस आग को वो सहरा था, उबालने के लिए रखा हुआ था, तो उस आग को वो सह रहा था, वो तपस्या कर रहा था, तो बोले कि मुझे तो भगवान पिएंगे नहीं, मेरे अस्तित्व का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे तो जीने का भी कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता। अब ये दूध सोच रहा है ना, दूध सोच रहा है कि चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। अब आत्महत्या कैसे करूं, कहीं से कूद के करनी पड़ेगी, चलो मैं आग में कूद कर आत्महत्या कर लूंगी। आपने कभी नोटिस किया ना, जब दूध उबल रहा होता है तो बाहर आ जाता, तो क्या बोलता है कि चलो मैं तो आत्महत्या कर लेता हूँ भाई, मेरी ये तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा है ना, मैं उबल भी रहा हूँ, इतनी सहन भी कर रहा हूँ तपस्या। हम ये ऐसा कभी कभी सोचते हैं ना कि इतनी हम लोग माला कर रहे हैं, इतना व्रत रखते हैं, भगवान देखते ही नहीं है, है ना। ऐसे ही दूध सोच रहा है कि भी मेरा को तो भगवान देखते ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, मगर वो जैसे ही ऐसा करने की प्रयास करता है, यशोदा माई देख लेती है। यशोदा माई क्या करती है, फटाफट से भगवान कृष्ण को नीचे बिठाती है और वो दूध को संभालने के लिए जाती है रसोई घर में। अब भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है, बोल वो क्या सोचते हैं, देखिए सब सोचते हैं, सोचना अच्छी बात है ना, हमारे गुरु महाराज भी हमेशा बोलते हैं, मैं सोच रहा था, हमको सोचना चाहिए, लेकिन कैसा सोचना चाहिए, सात्विक सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचारों को हमारे को लाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं क्षीर सागर, आप देखिए कि 7 तरह के समुद्र है, है ना, ऐसा बताया जाता है कि 7 तरह के समुद्र, एक उसमें समुद्र है, किसका समुद्र है, दूध का समुद्र है, जिसको क्षीर सागर बोलते हैं, कितने मैं वो क्षीर सागर छोड़ के यशोदा जी के पास में आया दूध लेने के लिए, दूध माता का दूध पीने के लिए, वो मुझे ही छोड़ के चली गई। तो उनको बहुत क्रोध आता है ना, तो उनको क्रोध आता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक पत्थर लेते हैं छोटा सा, वहां पे दूध मक्खन की बहुत सारी छोटी छोटी मटकियां पड़ी होती हैं और उनपे वो पत्थर मार देते हैं, और क्या होता है, वो पूरा का पूरी जो मक्खन है वो गिर जाता है। अब वो गिर जाता है तो वो क्या करते हैं, फिर वो जो बंदर है, उनके जो मित्र है, वो मित्र क्यों है, क्योंकि जब भगवान राम थे वो त्रेता युग में, तब इन बंदरों ने बहुत सहनता की थी रावण के साथ, तो वो क्या करते हैं, मक्खन जो है इनको खिलाने लगते हैं, है ना, साथ साथ में वो छुप छुप के देखते भी है, उनको पता है वो गलत काम कर रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं, छुप छुप के देखते भी रहते हैं कि मेरी माता तो नहीं आ रही, मेरी माता तो नहीं आ रही, है ना। लेकिन माता को पता चल जाता है, कैसे, उनके पैरों के जो निशान होते हैं वो मक्खन पे होते हैं। मैं ये कथा छोटी बता रही हूँ क्योंकि हमने ये कथा सुनी है, तो मैं छोटे में आपको इस कथा के बारे में बता रही हूँ। तो क्या होता है, माता जो है उनके पैर जो छोटे छोटे पैरों के निशान मक्खन पे पड़े थे, उसको देखकर आ जाती हैं वहां पर जहां पे वो बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। वो देख भी रहे होते हैं कि माता तो नहीं आ रही, डर लग रहा था उनको, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। तो माता क्या करती है, उनको गुस्सा आता है कि आज तो इसकी बस खूब पटाई कर देनी है,
वो छड़ी लेकर आ जाती और वो पकड़ लेती है। वो कहाँ खड़े होते हैं? उखल पे खड़े होते हैं। उखल क्या है? एक मसाला कूटने के लिए एक बड़ा सा एक बर्तन कहेंगे शायद वो होता है, उसको उल्टा करके खड़े होते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं ना भगवान, तो इस तरह से वो खड़े होते हैं। तो माता आ जाती है, और माता आ जाती है तो फिर क्या होगा? फिर तो आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया, है ना। मैया ने बड़े सुंदर बाल बनाए, इतनी सुंदर उन्होंने कपड़े पहने हैं, फूल वूल सब लगाए हैं माता जी ने, बहुत मस्त। माता जी बहुत, यशोदा मैया बहुत सुंदर थी, शी वॉज वेरी टॉल लेडी एंड वेरी स्मार्ट लेडी। वो मॉर्निंग में अपना पूरा अच्छे से डग डग होकर गई है, और अब क्या वो आगे आगे छोटे छोटे से, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, उनके पीछे पीछे माता छड़ी लेके भाग रही है। अब भगवान को तो योगी नहीं पकड़ पाते हैं, तो माता कैसे पकड़ेगी? तो लेकिन भगवान आगे भागते हैं, माता पीछे भागती है, पूरे उनके बाल वाल सब फूल जाते हैं, सारा फूल वूल सब नीचे गिर जाता है, थक जाती है माता। तो भगवान क्या करते हैं? फिर अपना क्या करते हैं? भगवान को पकड़ लेती है, या ऐसा बोलना चाहिए कि भगवान अपने आप को पकड़ने देते हैं, यू नो, भगवान प्रेम में इनको पकड़ने देते थे। अनकॉन्कर्ड लॉर्ड भगवान, जिनको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन एक चीज जीत सकती है, वो क्या है? वो भक्त का प्रेम। तो माता क्या करती है? उनको पकड़ लेती है, और सोचती है कि ऐसे छोड़ देंगे तो सही नहीं है, ये बच्चा तो बिगड़ जाएगा, बड़ा होके पता नहीं क्या बनेगा, अभी तो छोटी छोटी चोरी करता है, बड़े होके पता नहीं क्या बनेगा। तो क्या करना चाहिए? ये जो विवरण मैं आपको दे रही हूँ, अब देखिए ये हम लोगों को कहाँ मिला है, ये जीव गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, जीव गोस्वामी पाद, उन्होंने गोपाल चंपू में लिखा है। तो हम जब भी धाम जाएं या कभी भी कोई शास्त्र पढ़े, तो हमारे को वैष्णवों के संग में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो देख सकते हैं जो हम लोग नहीं देख सकते। तो अब उन्होंने क्या करती है, वो एक उखल लेती है और भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, और जब भी वो बांधने का प्रयास करती है तो क्या होता है, वो रस्सी दो उंगली छोटी पड़ जाती है। हम लोग सब जानते हैं, दो उंगली जानते हैं सब लोग, कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, एवरीबडी जानते हो ना सब लोग, दो उंगली सब जानते हैं। तो दो उंगली क्या है, कौन एक जल्दी से कौन बता देगा? हाँ अरुणा जी बता दीजिए जल्दी से, क्या है दो उंगली? दो उंगली किसके लिए है अरुणा जी, कौन बताएगा? फटाफट से बता दे कोई एक जना। हाँ अरुणा जी प्लीज अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मुझे डिफरेंट, मतलब कि पूरा प्रॉपर नहीं पता है फिंगर्स का। ओके ठीक है, तो दो उंगली क्या है? एक तो है हमारा प्रयास, हम कोई भी कार्य करें तो उसमें हमारा प्रयास, और दूसरा है भगवान की कृपा। जब तक हमारा प्रयास नहीं होगा और हमारा भगवान की कृपा नहीं होगी, तो कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमारे को कोई भी कार्य पूरे करने के लिए करना चाहिए, है ना, भगवान से। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा कथा आती है, एक भगवान के पास जाता है, भगवान मेरी लॉटरी निकाल दो, मेरी लॉटरी निकाल दो, मेरी लॉटरी निकाल दो। भगवान बोलते हैं बेवकूफ टिकट तो खरीद। तो आप क्या कर रहे हो कि आपको क्या करना, हमें प्रयास भी करना होगा। तो हम अगर प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फिर भगवान माता का प्रयास देखकर अपने आप को बांधने देते हैं। इसके ऊपर ये दो उंगलियों को जो हम बोलते हैं प्रयास और कृपा के ऊपर भी आचार्य समझाते हैं इस लीला का एक और अर्थ, कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जब भगवान को यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही हैं, तो भगवान सोचते हैं कि मुझे इतने सारे काम है ना, आप मुझे बांध रहे हो, कौन संभालेगा पूरे ब्रह्मांड के कामों को, है ना। उनकी इतनी सारी शक्तियां हैं, वो एक शक्ति बोलती है ये काम है, दूसरी ये बोलती है, लेकिन सब फिर क्या होता है, उनकी जो कृपा शक्ति है, वो कृपा शक्ति से बाकी सारी की सारी शक्तियां मक्खन के जैसे पिघल जाती है, और वो अपने भगवान जो है अपने भक्त पे कृपा करते हैं और बंध जाते हैं। तो ये है उखल बंधन लीला भगवान कृष्ण की। तो इस तरह की बहुत सारी लीलाएं जो है कार्तिक मास में होती हैं। कार्तिक मास में जो है, कार्तिक मास की जो हम बात करते हैं, तो बहुत सारी लीलाएं होती है ना उसके अंदर। आप देखिए कार्तिक में क्या क्या आता है, गोवर्धन लीला होती है, दिवाली भी आती है, गोपाष्टमी भी होती है, हम दीपदान भी करते हैं, है ना, आप सब लोग दीपदान करते हैं, है ना, दीपदान भी करते हैं हम लोगों का। बहुत सुंदर देखिए इस्कॉन टेम्पल इतना सुंदर सजाते हैं, हमारा एक उत्साह हमारे हृदय में पहले से ही जाग जाता है। इसमें एक कथा भी है कि जो इसकी महात्म्य की एक छोटी सी कथा भी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कि एक बारी, एक बहुत टाइम पहले की बात है, पद्म पुराण में ये कथा आती है।
उसमें क्या बताते हैं कि एक स्त्री होती है शूद्रानी, है ना, जैसे ब्राह्मण वैश्य तो शूद्र, शूद्रानी होती है, उसका नाम होता है कलीप्रिया। वो क्या होती है, वो थोड़ा सा अपने पति से नाखुश होती है, तो वो अपने पति को अच्छा खाना नहीं परोसती है, उसको तंग करती रहती है ना, अपने जो घर के कार्य हैं वो भी नहीं करती है, तो वो ऐसे छोटे छोटे कार्यों को भी नहीं करती है, हर समय उसका ध्यान कहीं और रहता। तो एक दफा उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो किसी पुरुष के साथ भागने का प्रोग्राम यू नो बना लेती है, कार्यक्रम बना लेती है। तो यहाँ से क्या करती है, वो अपने पति की हत्या कर देती है, कलीप्रिया, है ना, कलीप्रिया अपने पति की हत्या कर देती है। आप सोच रहे होंगे मैं ये उखलीला के बाद आपको ये क्यों बता रही हूँ, मैं इसका भी आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी कि वो क्या करती है, अपने पति की हत्या कर देती है, और वहां जंगल में जो उसका जो मित्र इंतजार कर रहा होता है, उसको एक जो शेर है वो हमला करके उसको मार देता है। तो वो जाती है, वो जब जंगल में पहुंच के उसको मरा हुआ देखती है, तब उसको समझ में आती है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी, क्योंकि हम भी ऐसे इतनी गलतियां करते रहते हैं लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। तो जब उसको रियलाइज होता है तो वो पश्चाताप करना चाहती है, तो पश्चाताप करने के लिए क्या करती है, वो एक ऐसी जगह पे जाना चाहती, पवित्र पवित्र जगह पे जाती है। वहां पे क्या देखती है कि बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो राधा कृष्ण की पूजा कर रही हैं, उनको तुलसी अर्पित कर रही हैं, उनको फूल माला अर्पित कर रही हैं, धूप दिखा रही हैं, गीत गा रही हैं, प्रार्थनाएं कर रही हैं। तो वो पूछती है आप ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि अभी ये तो है कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, इस महीने में हमारे सारे के सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और हमारे को राधा कृष्ण के जो भगवत धाम है वो लोग वृंदावन है वहां की प्राप्ति हो सकती है, तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये सुनकर जो कलीप्रिया ने इतना जघन अपराध किया था, उसके हृदय में थोड़ी सी आशा की उम्मीद जो है ना वो जागती है। तो वो कहती है ठीक है, मैं भी एक कार्तिक का व्रत रखूंगी, भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाऊंगी, उनकी पूजा अर्चना करूंगी, ये सब कार्य मैं भी करूंगी। वो सारे कार्य करती है, यमुना जी में स्नान करना, यमुना जी को दिया दिखाना, है ना, सारे काम ये जो कार्तिक में करते हैं वो करना प्रारंभ कर देती है। और जब इस महीने का अंत होता है तो नर्मदा नदी के पास वो अपना शरीर त्याग देती है, और जब वो अपना शरीर त्याग देती है तो उसी समय यमदूत आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इतना गलत कार्य किया होता, लेकिन साथ साथ में विष्णु दूत भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आखिरी मंथ में कार्तिक जो महीना आया है उसकी पूरी की पूरी विधि को पालन किया था। तो ऐसी बात हम लोगों ने पहले भी सुनी है अजामिल के केस में, है ना। तो यमदूतों को क्या करते हैं विष्णु दूत, बर्खास्त कर देते हैं, विष्णु दूत क्या करते हैं इनको बर्खास्त कर देते हैं, और वहां से उनको लेकर उनको भगवान की राधा कृष्ण की सीधी सेवा में लेके कलीप्रिया को जाते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि कार्तिक महीना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम भी भगवान की ऐसी छोटी छोटी सेवाओं को करेंगे तो हमारे को भी राधा कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति शीघ्र अति शीघ्र होगी। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना, एक तो हमारे को सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान को दिया दिखाना चाहिए सुबह और शाम, तुलसी जी को दिया दिखाना चाहिए, दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, गोपी गीत गाना चाहिए, बहुत सरल, और हमारे को धाम में जाना चाहिए, है ना। आप देखिए, अब अगर आप कभी इस्कॉन टेम्पल आते हैं तो पूरा दीप दान होता है वहां पे, बहुत सुंदर दृश्य होता है, बहुत अच्छा उत्सव वहां पे हमारे को दिखता है। तो ये कार्य हमको जरूर करने चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों से हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बढ़ेगा, हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता है, और इससे हमारे को हमारे आध्यात्मिक जीवन में बल मिलता है। अब शीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप बताइए कि ये ऊर्जा व्रत कैसे रहते हैं? ये जो कार्तिक का व्रत है इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उज्जेश्वरी देवी है, राधा रानी का क्या नाम है, उज्जेश्वरी, तो ये ऊर्जा देने वाला है। राधा रानी जो है पूरा सा, वो कभी भी भगवान कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखती 11 महीने, लेकिन एक ये महीना है जो ये जो कार्तिक का महीना है वो हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, है ना, उनको देखती है, हमारे पे दया करने के लिए वो हमको देखे। तो हमारे को भगवान की राधा रानी की दया के लिए ये ऊर्जा व्रत करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया, शीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि शीला प्रभुपाद ये कार्तिक का व्रत कैसे रखना है, आप बताओ।
बोले कि कार्तिक का व्रत रखना ऐसा नहीं है कि कार्तिक में जो भी हम चीजें आपको बता रहे हैं ये रोज ही आप कर सकते हैं। जो डिवोटीज होते हैं वो रोज ये करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जप करते हैं, धाम भी जाते हैं, भगवान को दिया भी दिखाते हैं, तो ये कोई नई नहीं है, तो उनके लिए तो रोज ही कार्तिक है। लेकिन जिन्होंने शुरुआत नहीं करी है उनको शुरुआत करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मंथ है। ये कार्तिक मास आपकी भक्ति जीवन को दोबारा से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके जीवन में क्या कठिनाई आ रही है, क्या वीकनेसेस है, आप किस किस चीज को अपनी दोबारा से और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप एकादशी के एकादशी आपको रिव्यू करना चाहिए, सिंह अवलोकन करना चाहिए कि मैं ठीक से भक्ति कर रहा हूँ, क्या मेरी प्रगति हो रही है। तो इसी तरह से कार्तिक का भी महीना जब आता है तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इस तरह की भक्ति के जो कार्य हैं वो उनको प्रारंभ करें, और जो कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि मैं और इसको अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि एक बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, एक और आपको मैंने ये भी बताया इसके अंदर बहुत सारी त्योहार भी आते हैं, एक नल कुबेर का भी इसमें एक लीला आती है, तो अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। और क्या क्या फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली आती है, धनतेरस आता है, गोवर्धन लीला आती है, गोपाष्टमी आती है, गोपाष्टमी में क्या राधा रानी जो है एक गोप के रूप धारण करती है, भीष्म पंचक आता है, बहुत सारे आचार्यस का इसके अंदर डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस डे आता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंट है, हमारे शीला प्रभुपाद जब नित्य लीला प्रवेश कर गए थे तो उनका ये डिसअपीयरेंस डे भी इसी कार्तिक मास में आता है। और बहुलाष्टमी आती है, राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य आता है इसके इस मंथ में। और आप क्या कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट व्रज मंडल परिक्रमा, आप देखिए व्रज मंडल जो 84 कोस की परिक्रमा है आप वो कर सकते हैं 30 दिन में, और अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है 30 दिन जाना तो एक दिन जा सकते हैं, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ये जो व्रज मंडल दर्शन आती है आप उसको पढ़िए, और वैष्णवों के साथ मानसिक आप ये यात्रा कर सकते हैं। तो ये कुछ लाभ है हम लोग जो कार्तिक में कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि हमारे को दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, तो एक मैं स्टेंस आपके लिए गान। नमामिश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत् कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। Shoot.
होता